नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज मैं जीएस फाउंडेशन कोर्स यानी सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा हूं। इसकी कक्षाएं 5 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। आज यानी अभी से थोड़ी देर में आपको डेमो क्लासेस इस चैनल पर और साथ ही हमारे वेबसाइट और ऐप पर भी डेमो क्लासेस देखने को मिलेंगी। चाहे हमारे डेमो क्लासेस देखना हो या फिर हमारा प्रॉस्पेक्टस पढ़ना हो, जिसमें हमारे बैच की डिजाइन आपको जानने को मिलेगी, उसकी विशेषताएं जानने को मिलेंगी, या फिर एडमिशन का तरीका जानना हो, इन सभी के लिए सबसे आसान तरीका है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है ना, वो हमारे फाउंडेशन आईएएस फाउंडेशन बैच के टेलीग्राम चैनल का निःशुल्क लिंक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पर मिल जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको न केवल हमारी बैच की विशेषता बल्कि बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी वहां पर दी हुई, साथ में सिलेबस दिया हुआ है और एडमिशन लेने का तरीका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी टेलीग्राम चैनल में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी है और उसके अलावा एक नीचे आप स्क्रॉल कर रहे होंगे कुछ मोबाइल नंबर है ना, उन मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके भी इस बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहां फोन करके भी आप चाहें तो प्रॉस्पेक्टस अपने पास मंगा सकते हैं। यानी आपके पास कई जानकारी के सोर्स हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं वो, और एक हमारा है मोबाइल नंबर सॉरी व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9918000454। इस पे व्हाट्सएप करेंगे आप जीएस फाउंडेशन, जीएस फाउंडेशन कोर्स या जीएस फाउंडेशन बैच 2022 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसे व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको हमारा प्रोस्पेक्टस भेज दिया जाएगा और साथ ही एडमिशन प्रोसेस भी वहां पर आपको बता दिया जाएगा। यानी 3-4 तरीके से आप सब कुछ जान सकते हैं। डेमो क्लासेस आज शाम से चलेंगी और आप हमारे जो लिंक है अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां भी आपको डेमो क्लासेस हम आपको लगातार भेजते रहेंगे, लगातार 5 अक्टूबर तक, ठीक है। तो हमारे फैकल्टी और हमारे बैच की विशेषताओं के बारे में सबसे बेहतर तरीका है या तो व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे कॉल कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, हमारा जो बैच होगा ये 10 महीने की अवधि का होगा। 10 महीने तक आपको वीडियो क्लासेस आपकी कक्षाएं ले जाएंगी, यानी आपको हमारे विशेष विशेषज्ञ पढ़ाएंगे। ये बैच न केवल प्रारंभिक बल्कि मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट शामिल नहीं है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिहाज से जीएस प्रश्न पत्र शामिल है, साथ में निबंध प्रश्न पत्र शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के अलावा एक सी सेट का प्रश्न पत्र होता है। सी सेट प्रश्न पत्र की तैयारी भी यहाँ पे विशेष रूप से कराई जाएगी और उसके लिए अलग से अध्यापक हैं। साथ ही मुख्य परीक्षा में 2 अर्हक प्रश्न पत्र होते हैं, है ना, जैसे हिंदी अर्हक प्रश्न पत्र और अंग्रेजी अर्हक प्रश्न पत्र। वैसे तो अर्हक जो स्थानीय भाषा भारतीय भाषा अर्हक प्रश्न पत्र होता है उसमें 22 भाषाएं हैं। हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन चूंकि आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आप हिंदी भाषा का ही चयन करेंगे। तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की तैयारी के लिए भी हम अलग से क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। तो जीएस के 4 प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और निबंध प्रश्न पत्र की तैयारी कराई जाएगी और साथ ही प्राथमिक परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा की भी पूरी तैयारी की जाएगी, ठीक है। कक्षाएं बैच हमारा 10 माह का है, लेकिन कक्षाएं आपके लिए 18 माह तक वैलिड रहेंगी। यानी कि आप 18 महीने तक चाहे जितनी बार किसी वीडियो को आप देख सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। उसके अलावा मुख्य परीक्षा से ठीक पहले 40 घंटे का हमारा उत्तर लेखन सत्र होगा, जिसमें सभी विषयों के विशेषज्ञ आपको उत्तर लेखन की कला सिखाएंगे, है ना। होता क्या है कि पढ़ते तो हम बहुत हैं, एक एक टॉपिक पे हम 10-10 पन्ने का नोट्स बना ले जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न आपके सीधे आपके नोट से तो पूछा नहीं जाता है ना। तो बहुत सी जानकारी होने के बाद भी इस बात का प्रैक्टिस जरूरी हो जाता है कि आप उत्तर लेखन कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि 150 से 200 शब्दों में आपका उत्तर समायोजित करना होता है और ये आसान काम नहीं होता है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। इसके लिए हम 40 घंटे का उत्तर लेखन सत्र अलग से आपको देंगे, ताकि ज्ञान होना अलग बात है, अपने उत्तर को समेटना एक अलग बात है ना। और जो इस बैच की विशेषताएं हैं, इसमें मैं बता दूं कि इस बार हमने नोट्स में काफी सुधार किया है। नोट्स काफी विस्तृत और संपूर्ण रूप में आपको दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष की अलग कक्षाएं चलेंगी, न केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा। यूपी पीसीएस में एक समस्या है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम, उत्तर प्रदेश का व्यापार अर्थव्यवस्था मुख्य परीक्षा में भी अब पूछा जा सकता है। जैसे मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में इतिहास से सवाल आपको यूपी से स्पेशली पूछे जा सकते हैं, तो उसकी तैयारी आपको अलग से हमारे यहाँ कराई जाएगी, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट में अध्यापकों से आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गूढ़ अध्ययन करने को मिलेगा और विशेष रूप से ये अध्ययन
किसी बच्चे के लिहाज से न होकर विशेष रूप से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिहाज से अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप चाहे तो जूम स्क्रीनशॉट भी लेके इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सी सेट प्रश्न पत्र की तैयारी भी अलग से कराई जाएगी, है ना। उसके अलावा आप प्रोस्पेक्टस, मैंने जैसा कि कहा कि डिस्क्रिप्शन में आप नीचे हमारा आईएएस बैच का टेलीग्राम लिंक है, उसको निःशुल्क है, ज्वाइन करेंगे तो प्रोस्पेक्टस आपको पूरा भेजा जाएगा, वहां भी ये सब आपको जानने को मिल जाएगा, है ना। आइए हमारे थोड़े विषय विशेषज्ञों के बारे में हम जान लेते हैं, कौन कौन से विषय विशेषज्ञ होंगे। सबसे पहला प्रश्न पत्र होता है हिंदी अर्हक, है ना, अर्हक हिंदी प्रश्न पत्र। आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आप तेलुगु या मलयालम तो चुनेंगे नहीं, है ना, तो आप हिंदी प्रश्न पत्र चुनेंगे। 300 अंकों का होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर के दोनों होते हैं, इसको आपको इसके 300 अंक दोनों के होते हैं, लेकिन ये आपके मेरिट सूची में जुड़ते नहीं है, है ना। वरीयता जो क्रम निर्धारित होता है, मेरिट बनती है, मेरिट में इन्हें स्थान नहीं दिया जाता है, इसे क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और केवल क्वालिफाई करना होता है। हिंदी प्रश्न पत्र की तैयारी अमरेश भट्ट और अंग्रेजी प्रश्न पत्र की तैयारी श्री हमजा हसनी द्वारा कराया जाएगा। वरीयता क्रम वाले प्रश्न पत्रों के बारे में बता दूं कि इसकी फैकल्टी कौन सी होगी, यानी मेरिट वाले प्रश्न पत्र यहां से स्टार्ट होते हैं। जैसे प्रश्न पत्र प्रथम निबंध, निबंध की तैयारी अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ आपको कुछ घंटे अपने अपने विषयों के बारे में निबंध लिखने की कला सिखाएंगे। प्रश्न पत्र द्वितीय होता है, ये होता है सामान्य अध्ययन प्रथम, भारतीय इतिहास, विरासत संस्कृति, विरासत और विश्व इतिहास, इसका अध्ययन श्री केडी सिंह जी कराएंगे। इनके बारे में आपने सुना होगा, इलाहाबाद में लगभग 20 से 25 सालों से ज्यादा का इनको पढ़ाने का अनुभव है और अभी भी लगातार इन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को सफल कराया है, एक लंबा अनुभव रहा है इनका इतिहास में। तो केडी सिंह जैसे विशेषज्ञ और अनुभवी लोगों से भी पढ़ने का यह मौका है आपके पास। भारत और विश्व का भूगोल, इसमें मैं शामिल रहूंगा, मेरे अलावा मेरे ही नाम वाले श्री आलोक शंकरन सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। समाज वाला जो चैप्टर है वो श्री धर्मेंद्र सिंह द्वारा कवर कराया जाएगा। प्रश्न पत्र द्वितीय में सामान्य अध्ययन, सॉरी सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये एक्चुअल में प्रश्न पत्र तृतीय होता है, इसमें संविधान और शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषय हमारे श्री संजय ठाकुर सर कवर कराएंगे। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के दूसरे प्रश्न पत्र में सामाजिक न्याय होता है ना। समाज के बारे में दो अलग अलग टॉपिक है, एक सामाजिक न्याय है और दूसरा है और सामाजिक न्याय, तो समाज हो चाहे सामाजिक न्याय हो, दोनों टॉपिक श्री धर्मेंद्र सिंह द्वारा कवर कराए जाएंगे। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्री रवि अग्रहरी सर। श्री रवि अग्रहरी के बारे में आप जानते होंगे या फिर आप गूगल सर्च करके भी जान सकते हैं। टीएमएच में विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो पुस्तक आती है वो हमारे श्री रवि अग्रहरी सर ने ही लिखा है और कई सालों से इनका पढ़ाने का भी अनुभव है। निश्चित रूप से जब आप इनके डेमो क्लासेस देखेंगे, इन सभी अध्यापकों के डेमो क्लासेस आएंगे, तो रवि पी अग्रहरी चूंकि इस बार हमारे बैच में पहली बार आ रहे हैं और विशेष रूप से निवेदन और इनको निवेदन करने के बाद हमने इनको काफी बुलाया है, तो निश्चित रूप से साइंस टेक पढ़ने का आपका इनसे जो अनुभव होगा वो अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा, है ना। इसके अलावा हमारे अध्यापक हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में एसके झा। पर्यावरण और जैव विविधता दो अलग अलग टॉपिक है, इसमें कुछ प्रौद्योगिकी का हिस्सा होता है और कुछ भूगोल का भी हिस्सा होता है, तो इसमें भूगोल वाले हिस्से आलोक शंकरन सर वाले कवर कराएंगे और साथ ही प्रौद्योगिकी वाले हिस्से श्री रवि अग्रहरी सर कवर कराएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न पत्र जो जीएस का होता है वो नीति शास्त्र, सत्य निष्ठा और अभिरुचि होता है, जिसे हमारे श्री आर के अग्रवाल सर कवर कराएंगे। ठीक है, ये हमारी फैकल्टी हो गई। इसके अलावा मैं कुछ आपके सवालों के उत्तर देना चाहूंगा। आपकी इधर बीच काफी वर्ष 2020 का रिजल्ट आया और काफी उथल पुथल मची हुई है ना। तमाम सवाल उठे कि हिंदी माध्यम में चयन नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं आपको निश्चित रूप से कुछ आपके सवालों के जवाब देना चाहूंगा। बहुत से सवाल मेरे पास आए और मैंने कमेंट में भी देखे और हमारे टीम के पास भी बहुत सारे सवाल आए। आप बहुत सारे लोग हम कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी से आप जवाब मांग रहे हैं, इस पे मैं आपको निश्चित रूप से अपना एक जवाब देना चाहूंगा, है ना। लेकिन वो जवाब मैं इस वीडियो में नहीं, आपको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करनी चाहिए और क्यों अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों आपको अवश्य करनी चाहिए, क्या इसका महत्व केवल नौकरी के लिहाज से है, मैं बहुत सी बातों पर चर्चा करूंगा, लेकिन इसकी अगले वीडियो में निश्चित रूप से कल और परसों में आऊंगा और सिविल सर्विस तैयारी की खूबियों और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा।
फिलहाल बैच को ज्वाइन करने का तरीका मैंने जो बताया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही नीचे मोबाइल नंबर पर फोन कॉल करके आप प्रोस्पेक्टस मंगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दिया, फिर से रिपीट कर दूं, 9918000454। इस पर अगर आप हमें जीएस फाउंडेशन कोर्स 2022 क्या व्हाट्सएप करना है, जीएस फाउंडेशन कोर्स 2022 व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एडमिशन प्रोसेस और साथ में हमारा प्रोस्पेक्टस मिलेगा, सब कुछ आप जाएंगे। और साथ ही इन सभी माध्यमों में जैसे टेलीग्राम लिंक, नीचे फोन करने पर, यहां व्हाट्सएप करने पर आपको हमारे डेमो क्लासेस के लिंक भी अलग से भेजे जाएंगे। ठीक है, शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे डेमो क्लासेस को एंजॉय कीजिए। नमस्कार।